Okay. There is firing which is happening right now. There is firing which is happening right now and okay. ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, तस्वीरें मणिपुर की है। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर हिंसा की आग में क्यों जल रहा है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि मणिपुर हिंसा की आग में क्यों जल रहा है। अभी मणिपुर का वर्तमान हालत ये है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी मणिपुर में हिंसा करता हुआ दिखे उसे सीधे गोली मार देने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है और वहां पर काफी मात्रा में अर्धसैनिक बलों का तैनाती भी किया गया है और पुलिस बलों का भी तैनाती किया गया है, क्योंकि मणिपुर में अभी वर्तमान में धारा 144 लागू है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मणिपुर का विवाद जो है, इतना बड़ा विवाद कैसे हो जाता है कि इतना लोगों का मृत्यु हो जाता है और इतना आगजनी किया जाता है कि हजारों करोड़ का नुकसान होता है। तो आपको शुरू से बताते हैं घटना क्या है और घटना का शुरुआत कैसे होता है। अभी वर्तमान में आपको बता दें कि मणिपुर में जो है बीजेपी की सरकार है और मोदी जी अमेरिका का दौरा पर गए थे, लेकिन अगर एक बार मणिपुर के दौरा पर भी गए होते तो हो सकता है कि मणिपुर का माहौल शांत हो गया होता। खैर छोड़िए, मोदी जी नहीं गए, अमेरिका का दौरा किए, अपने ही देश का मणिपुर का दौरा नहीं किए जहां इतना बड़ा हिंसा भड़का हुआ है। खैर उनको जाना चाहिए था। चलिए मुद्दा पर आते हैं और बताते हैं कि आपको कि मणिपुर हिंसा की आग में क्यों जल रहा है। देखिए, मणिपुर में दो समुदाय है। एक समुदाय आदिवासी वर्ग है जो एसटी वर्ग के अंतर्गत आता है, जो दूसरा समुदाय है मैतई समुदाय है, जिनको आप जनरल वर्ग अंतर्गत कर सकते हैं। जनरल वर्ग जिनका साधन संसाधन में काफी अधिकार होता है, नौकरी में जंगल जमीन घर द्वार में अधिकार काफी होता है, तो उनका जो अधिकार है मैतई समुदाय का मणिपुर में काफी ज्यादा है। और जो आदिवासी वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं एसटी वर्ग है, उनका जो आप समझ सकते हैं कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनका रहने का और खाने पीने का जो इंतजाम होता है काफी निम्न स्तर का होता है, क्योंकि अभी समाज में उनका उस तरह का पहुंच नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है। तो अदालत की तरफ से एक फैसला आता है कि जो मैतई समुदाय है उनको भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए। इसी बात से जो आदिवासी समुदाय है वो भड़क जाते हैं और उनका कहना यह होता है कि अगर मैतई समुदाय को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा तो सीधे तौर पर हमारा आरक्षण इससे प्रभावित होगा। वो समुदाय जो पहले से ही सुखी संपन्न है, वो अगर आरक्षण के दायरा में आ जाएगा तो हमारा कहीं ना कहीं हक अधिकार छिना जाएगा, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही संपन्न है। जो मैतई समुदाय है वो पहले से ही संपन्न है और जो हमारा हक अधिकार है कहीं ना कहीं उनके आने की वजह से प्रभावित होगा और कम भी हो जाएगा। जिनके पास सभी सुख सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और हमारा सुख सुविधा जो हमको मिल रहा है आरक्षण के माध्यम से मिलने वाला है वो भी उनको दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे आने वाले पीढ़ी को दिक्कत होने वाला है, ये कहना है वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोगों का। इसी बात पर वहाँ पर प्रदर्शन शुरू होता है आदिवासी समुदाय की तरफ से और ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र रूप ले लेता है, जहाँ पर आगजनी होता है और तोड़फोड़ होता है और इस हिंसा में कई लोग मारे भी जाते हैं। तो घटना की शुरुआत ऐसे ही होता है अदालत के फैसले से। अदालत का फैसला ये आता है कि मैतई समुदाय को आरक्षण के दायरे में लाया जाए। आरक्षण के दायरे में लाने को कहने के बाद आदिवासी समुदाय भड़क जाते हैं कि हमारा आरक्षण इससे प्रभावित होगा। तो शुरुआत ऐसा ही होता है और घटना बढ़ते बढ़ते उग्र रूप ले लेता है। अभी स्थिति यह है कि वहां पर कोई दिग्गज नेता केंद्र की तरफ से नहीं जाता है घटना को शांत कराने के लिए, इसलिए वहां के लोग केंद्र की तरफ से भी नाराज हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से वहां पर जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, मोदी जी को जाना चाहिए था या फिर केंद्र की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि को वहां पर जाकर हिंसा को देखना चाहिए था, माहौल शांत करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन कोई वहां पर नहीं गया। अभी मणिपुर का स्थिति यह है कि एक महीना से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में कोई भी दिग्गज नेता जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये घटना यही है। तो इस घटना को हमने आपको आसान शब्दों में बता दिया कि घटना कैसे शुरू हुआ और घटना इतना बढ़ कैसे गया। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।